इससे क्या होगा? इससे अच्छे फूल बढ़ेंगे। इससे अच्छे फूल बढ़ेंगे। तो देखना फूल ना तोड़ देना। हम नहीं तोड़ेंगे भैया, फूल पेड़ होते हैं। ये देखिए आरुषि अब ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो गई है। आरुषि अब ट्यूशन जाएगी। कहाँ जाओगी आरुषि? ट्यूशन। पढ़ाई करती हो? हाँ। मेरे चाचू के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दिए। अच्छा अब तुम कहाँ जा रही हो? बजे। वापस कब आओगी? वापस 3 बजे। 3 बजे? अभी आरुषि अभी कुछ अपने बगल में एक भैया पढ़ाते हैं, उसके आपको ट्यूशन पढ़ने गई है और मिलते हैं कुछ दिन। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरा ये 5वां ब्लॉग है। और अभी आरुषि तो बाहर चली गई है और मैं सोच रहा हूँ मेरे घर के जो बगल में एक हॉस्पिटल है बड़ा, ACPJI हॉस्पिटल, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ आप सभी को। तो चलिए चलते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरा ये 5वां ब्लॉग है। और अभी आरुषि तो बाहर चली गई है और मैं सोच रहा हूँ मेरे घर के जो बगल में एक हॉस्पिटल है बड़ा, ACPJI हॉस्पिटल, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ आप सभी को। तो चलिए चलते हैं। ये रहा PGI का मेन गेट, ट्रेबरेली रोड पे है जो कि, और ये यहाँ से अंदर चलते हैं। अगर आप चारबाग होके आते हैं, मतलब अभी ट्रेन से आते हैं, तो चारबाग में PGI के लिए ऑटो फेड होती है जिसका किराया 15 रुपये लगता है। और वहाँ से PGI के लिए ऑटो कई सारे चलते हैं। और ये यहाँ पे जो सीधे अगर चले जाएंगे तो कैंपस की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे डॉक्टर सारे रहते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम लोग लेफ्ट मुड़ते हैं और इस PGI कैंपस में SBI बैंक, पोस्ट ऑफिस, सारा चीज़ उपलब्ध है। और इसके बाद हम लोग राइट मुड़ते हैं कुछ दूर चल के। सीधे चले जाएंगे तो आपको पुरानी ओपड़ी और प्रशासनिक भवन की तरफ चले जाएंगे। और ये रहा BMSSY ब्लॉक। इसमें कुछ स्पेसिफिक जांचें और कुछ एक दो डिपार्टमेंट जैसे प्लास्टिक सर्जरी और MRH वगैरह चलते हैं इसमें। ये नई बिल्डिंग बन रहा है क्योंकि पुराने इमरजेंसी में सिर्फ 40 से 45 ही बेड हुआ करते थे। अब इस बिल्डिंग में कम से कम 300 से लेकर 400 इमरजेंसी बेड और डायलिसिस यूनिट सिर्फ इस बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। और ये PGI के लिए बहुत ही बड़ा कदम है ये। और आप आगे चलते हैं। और इसमें पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, बहुत सारे अगल बगल पार्किंग। और अगर सामने सीधे चले जाते हैं तो आप कैफेटेरिया और नॉर्थ रेलवे के टिकट काउंटर भी इस कैंपस में उपलब्ध है। और ये रहा नवीन ओपीडी, PGI का नवीन ओपीडी। जो सामने टी स्टॉल दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कैफेटेरिया और चाय वाय पीने की व्यवस्था भी दी गई है। और ये सेट में जो बहुत सारे पेशेंट लोग बैठे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो गैलरी है ये PGI की तरफ चली जाती है, मतलब नवीन ओपीडी की तरफ चली जाती है। तो चलिए हम लोग नवीन ओपीडी की तरफ चले। और इसमें जो सामने दिखाई दे रहा है वो SBI का ई कॉर्नर है, वहाँ पे ATM वगैरह सब उपलब्ध हैं। और यहाँ पे कोरोना जांच भी यहीं एक SBI कैंप, मतलब ई कॉर्नर में ही होता है। चलिए अब अंदर चलते हैं।
यहाँ पे कोरोना का जांच मतलब चेक करते हैं, यहाँ पे जो गार्ड्स लोग खड़े रहते हैं, कोरोना जांच या वैक्सीनेशन का डबल डोज सर्टिफिकेट हो तो भी चल सकता है, दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। और पिज़्ज़ा दिखाने के लिए सबसे पहले रेफर पेपर कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि बिना रेफर का इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा। और अंदर चलते हैं, ये रहा नवी मोपटी के मेन गेट। और आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रेफर पेपर और बाकी आपकी जो भी पुरानी रिपोर्टें हैं वो सब लगेंगी इस हॉस्पिटल में, और क्योंकि उसी की बेसिस पे आपकी इलाज होगी। और ये रहा रिसेप्शन काउंटर, यहाँ 1 से लेकर 13 तक रिसेप्शन काउंटर और खिड़की बनी हुई है, तो आप अगर नए मरीज हैं तो 13 नंबर काउंटर पे जाके अपना सबसे पहले फाइल बनाओ। अभी तो लाइन नहीं लगी है, लेकिन सुबह सुबह लाइन लगी रहती है इस सारे काउंटरों पर, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल सारी और रिपोर्ट भी यहीं से निकाल सकते हैं आप सभी। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। अगर आप पीजीआई में नए पेशेंट हैं तो सबसे पहले आपको बाहर से या खुद से पोर्टल पे एजी पीजीआई के पोर्टल से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी, आपको एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं तो उसके लिए आप नीचे जो 13 नंबर काउंटर था उस पर जाकर फाइल बनवा सकते हैं, और उस पर जो फॉर्म मिलेगा उसको फिल करके फाइल बनवा सकते हैं। और ये रहा सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर पे आपको 4 डिपार्टमेंट, इम्यूनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी और इंडोक्राइन सर्जरी और इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है। लोअर ग्राउंड यानी बेसमेंट में यहाँ पे पीजीआई का फार्मेसी है, जो कि यहाँ तो लाइन दिख रहा है वो पीजीआई का फार्मेसी यानी दवा लेने के लिए लाइन लगी है। और ये जो मार्केट जो पीजीआई में जो दवा मिलती है वो मार्केट रेट से बहुत सस्ते दामों में यहाँ पीजीआई में उपलब्ध कराई जाती है। चलिए अब बाहर निकलते हैं और पुराने ओपीडी की किसी और दिन मैं सेकंड पार्ट इस तरह मांगूँगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं ये पीजे में जो वीडियो बनाने गया था उसके कार जो रोक रहे थे वीडियो ना बनाने के लिए, मैंने कैसे भी करके थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बना लिया था। और अगर पीजे पर भी कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं अपना स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, आप उससे कॉल करके आप कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। और अभी के लिए शुभरात्रि, और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए। और अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभरात्रि और जय हिंद।